tutto. तो लॉकडाउन के बाद से मैंने अभी तक एक भी बार बाल और दाढ़ी नहीं काटे हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले पोल डाली थी इंस्टाग्राम पे क्यूट और जंगली के नाम से, मतलब फोटो डाल के। सो मैंने सोचा था कि अगर क्यूट के ज़्यादा वोट आएंगे तो मैं इसको रखूँगा, बट अगर जंगली के ज़्यादा आएंगे तो मैं इसे ट्रिम कर दूँगा। और बहुत थोड़े मार्जिन से जंगली जीती। तो अब बाय बाय बियर्ड, अब इसको काट के मिलते हैं ऐसे। करके मिलते हैं। Shoot is back. So कुछ important updates लेनी है। सबसे पहला जो मेरा सिम है वो करप्ट हो गया है। So मैं कोई calls ले नहीं सकता और ना कर सकता हूँ। So eventually मैं गया था उसको ठीक कराने एयरटेल के सर्विस सेंटर पे, बट वहाँ जाके मेरे को पता चला जो मेरा सिम है वो ऑटोमेटिकली मेरे पापा के नाम पे ट्रांसफर हो गया। और मेरे पापा एक्चुअली अभी यहाँ पर है नहीं, तो सिम तो अभी वापस आ नहीं सकता ना, उसके नाम भी नहीं चेंज उसमें जब तक पापा नहीं आएंगे। सो जिसको मेरे को कॉन्टैक्ट करना है कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे नंबर सेम है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। बाकी अगर किसी वक्त मेरा ऑल्टरनेटिव नंबर है तो फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ना तो यू कैन रीच मी जहाँ भी आपको कुछ भी मिल जाए, अगर यू हैव टू रीच टू मी। फिर सेकेंड अपडेट, मेरे ये हेडफोन्स हैं जो मैं रिसेंटली अराउंड 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। टैग इनफर्नो 2.0, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मैंने फर्स्ट टाइम टैग यूज़ किया था तो आई जनरली लाइक मेरे को बहुत पसंद आई ये टाइम ये कंपनी। सो बट अभी ये रिसेंटली पता नहीं मेरे से गिर गया और ये ख़राब हो गया, जिसकी वजह से अब ये इसका कोई यूज़ नहीं रह गया। सो और मैं इसको 1.5 ईयर्स की इसकी वैलिडिटी होती है वारंटी की, और वो भी ख़त्म हो गई तो कोई काम के नहीं है। बट हाँ, बट इवेंचुअली ये मेरे नए हेडफोन्स हैं, ईयरबड्स है लिबर्टी ईयर टैग के। टैग मैंने इसलिए वापस मंगाया क्योंकि टैग कंपनी मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्वालिटी वाइज, साउंड वाइज, एवरीथिंग। तो मैंने वापस से टैग मंगाया। सो ये आज ही आए, तो इसका जो रिव्यू है मैं एक हफ्ते बाद इसको यूज़ करके डालूंगा, जो मैं एक्चुअल वो बता सकूँ, जो मैं एक्सपीरियंस करूँ, रैदर देन दूसरी कोई वीडियो देख के इसके बारे में वापस बस अपना रिव्यू बना देना। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी इसके बारे में आएगी। बाकी ये तो हो गई मेरी अपडेट्स। जो एक नॉर्मल एक अवेयरनेस मेरे को जो बोलनी थी वो ये है कि अभी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट एवरीवन टू स्टे एट होम, स्टे सेफ, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कि किसी को नहीं पता कहाँ पर किसको है किसको नहीं है, तो इतना ज़्यादा फैल रहा है। तो अगर कोई भी सामान या कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम है बाहर से, तो ट्राई कि वो अगर कुछ ग्रॉसरी या कुछ सामान मंगाना है ऑनलाइन मंगा ले, हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाएगी। या कोई वैसे बाहर जाना है तो बहुत देख के जाएगी, किसी सब से बहुत दूर रहे, और हर चीज़ पता ही है, इतने टाइम से हम इस चीज़ को देख ही रहे हैं। तो वी नो व्हाट ऑल वी हैव टू टेक अ प्रिकॉशन, बट इट्स बेटर टू स्टे एट होम। तो बस ये कुछ बातें थी। बाकी गर्मी बहुत हो रही है, इससे ज़्यादा मैं बैठ नहीं सकता, बहुत पसीने हुए हैं। गर्मियों की ये दिक्कत है, पंखा चला के रिकॉर्ड कर नहीं सकते, और पंखा ना चला के गर्मी बहुत लगती है, तभी मुझे गर्मी नहीं पसंद। बाकी आज इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो मोस्ट प्रोबेबली इसका रिव्यू का। बाकी मेरे पेपर भी हैं 1 तारीख से, तो उसका भी पढ़ना है, जो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ बट पढ़ना है, हो सकता है वीडियो लेट भी हो सकती है। बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में।